नमस्कार किसान भाइयों, बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 1 फरवरी के दौरान मौसम कैसा रहेगा, इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जानेंगे पूरे राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। पिछले 2-3 दिनों से लगातार मौसम बदला हुआ है और बारिश की भी सूचना मिली और कई जगहों के लिए चने के आकार के बड़े बड़े ओले भी गिरे, ऐसी गतिविधियां भी रही कल। लेकिन आज मौसम कैसा रहेगा, किन किन जगहों पर मौसम बदलेगा, कहां जबरदस्त मौसम खराब रहेगा, भारी बारिश को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में आपको एकदम सही सटीक जानकारी मिलेगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप अवश्य फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखे, वीडियो कहां किस जिले से देख रहे हो। तो दोस्तों बताते चले, आज भी राजस्थान के जगहों पर मौसम है काफी खराब रहेगा, कई जगहों के लिए जबरदस्त मौसम खराब रहेगा और कई जगहों के लिए सुबह से ही कोहरे की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू समेत धुंधलापन मौसम, बादलों की आवाजाही के साथ बना रहेगा। लेकिन कुछ जगहों के लिए बरसात की गतिविधियां भी बनती हुई कुछ जगहों के लिए बरसात की गतिविधियां भी बनेगी। दोपहर तक मौसम काफी बदल जाएगा और सुबह से ही बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर समेत, वहीं हनुमानगढ़, नोहर, भादरा, पल्लू, सरदार समेत यहां पर मौसम बदलने की संभावना है। विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा यानी सीमावर्ती बॉर्डर वाले इलाके पर गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू, इन जगहों के लिए बॉर्डर वाले इलाकों पर बारिश के साथ मौसम बदलने की संभावना है। आज 1 फरवरी के दौरान और दोपहर के वक्त धीरे धीरे मौसम बदलने के साथ यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर मौसम बदलेगा। इसी के अलावा दोपहर तक धीरे धीरे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत, आबूरोड, सिरोही, पाली, राजसमंद समेत, पाली, सोजत समेत, जैतारण यहाँ पर भी हल्की खंड बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर भी खंड बारिश होगी। और बाड़मेर, बालोतरा समेत सिवाना, इन जगहों की बात करें, जोधपुर, ओसिया, भोपालगढ़, फलोदी, जोधपुर समेत, पोखरण में, जैसलमेर, यहाँ इन जगहों की बात करें तो यहाँ मौसम लगभग सामान्य रहेगा। आसमान में धुंधलापन गतिविधियां देखी जा सकती है। इसी के अलावा बात करें नागौर, अजमेर समेत, यहाँ तो नागौर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। नागौर, जायल, डीडवाना, कुचामन, मेड़ता सहित, हालांकि दोपहर के वक्त धीरे धीरे मौसम बदलेगा, जिस कारण अजमेर संभाग, टोंक, भीलवाड़ा यहाँ कुछ जगहों के लिए बारिश की गतिविधियां दोपहर के समय, अजमेर, मालपुरा, केकड़ी समेत, भीलवाड़ा या इस तरह की गतिविधियां कुछ कुछ खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। नागौर के भी ऐसे जिले जहां पर पूर्वी भाग बॉर्डर वाले सटे दूसरे जिलों से लगते इलाकों पर कुछ कुछ जगह बादल बनने के साथ हल्की गतिविधियां रहेगी। इसी के अलावा सीकर, झुंझुनू, चोरों, चोमू, जयपुर, दौसा, टोंक समेत और दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर समेत, कठपुतली, विराटनगर, यहाँ मौसम बदलेगा दोपहर के समय। इस कारण हल्की बारिश की गतिविधियां, खंड बरसात की गतिविधियां इन्हीं जगहों पर रहेगी। विशेष तौर पर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और यहाँ पर कोटा, बारन, बूंदी, झलावाड़ तक मौसम बदलेगा। लेकिन विशेष तौर पर अजमेर संभाग के टोंक, भीलवाड़ा, वही जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर समेत और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा समेत यहाँ मौसम आज खराब ज्यादा रहने की संभावना है। शाम होते होते अलवर, भरतपुर संभाग में मौसम यहाँ काफी खराब रहने को संभावना है, जिस वजह से ग्वालियर यानी दूसरे राज्यों से सटे सीमावर्ती एरियों पर मौसम ज्यादा खराब रहने के कारण मौसम बिगड़ सकता है। पक्की पकवाई फसलों पर किसानों के लिए संकट खड़ा हो सकता है और साथ ही जो गेहूं, जो अन्य फसलें हैं, चना, इन अन्य फसलों को किसानों के लिए बारिश वरदान साबित होगी। लंबे समय के बाद अब राजस्थान में माउट की गतिविधियां हो, कुछ किसानों के लिए बारिश अमृत साबित हो, कुछ किसान भाइयों के लिए बारिश नुकसानदायक भी होगी। लेकिन 2 फरवरी के आसपास राजस्थान में कोहरे की गतिविधियां जबरदस्त देखने को मिलेगी। 2 फरवरी के आसपास राजस्थान में एक बार फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सरदारशेर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर, दौसा, टोंक,
टोंक समेत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर समेत यहां तक कोहरे की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही साथ नागौर, मकराना, डीडवाना समेत यहां तक कोहरे की गतिविधियां है जो कि 2 फरवरी के दौरान देखने को मिल सकती है। जबरदस्त कोहरे का प्रकोप देखने को मिलेगा आगामी यानी 3 से 4 फरवरी के बीच, यानी 2 फरवरी दोपहर शाम के वक्त धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान में एक नया पश्चिमी WD एंटर करेगा और सीमा में घुसेगा। देर शाम तक मेघ गर्जन के साथ सीमावर्ती जैसलमेर के बॉर्डर वाले इलाके जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, बायतू समेत पाली, राजसमंद 2 फरवरी शाम के वक्त मौसम बदलेगा, जिस कारण यहां काफी मौसम खराब रहेगा। 2 फरवरी से लगाकर लगभग 3 से 4 फरवरी के बीच राजस्थान का मौसम काफी खराब रहेगा। इसके बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी। जरूरी वीडियो मौसम से जुड़ी हुई कंटिन्यू जानकारी देखने के लिए अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो अवश्य फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, कंटिन्यू आपको मौसम की जानकारी मिलती रहेगी। चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख देना। धन्यवाद।